अलवरगी थाना पुलिस ने ओएलएक्स फेसबुक पर वाहन खरीदने बेचने का विज्ञापन दिखाकर फोन पर गूगल पर पेटीएम और डेबिट कार्ड नंबर के आधार पर ओटीपी पूछकर रुपयों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवरगेट थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि पाल बिचला निवासी महेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट पर मथुरा निवासी मनीष जाटव को गिरफ्तार कर लिया। मनीष जाटव ऑनलाइन साइट पर अपने आप को सीआरपीएफ का जवान बताकर ठगी करता था। ये 15 जून को महेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक रिपोर्ट दी कि मैंने ओएलएक्स पे मेरी मोटरसाइकिल बेचने का ऐड दिया था। उस ऐड को देखते हुए किसी अननोन बंदे ने उनको फौजी बन के फ़ोन किया कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। तो इस बातचीत पे इन्होंने अपने एटीएम कार्ड नंबर शेयर कर दिए और इसका फ़ायदा उठाते हुए जिसको हमने गिरफ्तार किया है मनीष जाटव ने, उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके इनसे 50,000 रुपये अलग अलग अकाउंट में डलवा दिए और इसके अलावा 29,990 रुपये का एक मोबाइल ऑनलाइन परचेज किया। इसके लिए हमने परिवादी के बैंक स्टेटमेंट, ये फ्लिपकार्ट के स्टेटमेंट, पेटीएम के स्टेटमेंट और जो सीडीआर्स हैं उनको एनालिसिस करके इस मुलजिम तक पहुँचे हैं। मनीष जाटव नाम का बंदा है, ये गोवर्धन जी के पास देवसिरस गांव का रहने वाला है और इस तरह से इसने एक्सेप्ट किया है कि उसने और भी काफ़ी ट्रांजेक्शन्स किए हैं। करीब 1.5 साल से ये इस मामले में लिप्त है और हमने जो ऑनलाइन जो मोबाइल इन्होंने ख़रीदा था उसको बरामद कर लिया और आज इसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसको कल हम कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड प्राप्त करेंगे। ये अकेला ही करता था सर ऐसे, या इसके साथ और भी कोई लोग थे? अभी और भी 3-4 लोगों के लिए ये बता रहा है, जिसके बारे में गहन अनुसंधान किया जा रहा है, उनका क्या रोल है क्या नहीं है, तो अनुसंधान से ही तय हो पाएगा कि किस किस का कितना इन्वॉल्वमेंट है। सर ये कितना पढ़ा लिखा था, मतलब कोई आईटी सेक्टर में कुछ इसने? नहीं, आईटी सेक्टर में नहीं, ये ग्रेजुएट है और ये कभी कभी ओला केव और नोएडा में चलाने का काम भी करता है, लेकिन पिछले करीब 1.5 साल से ये इस तरह के फोर्जरी का काम कर रहा है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।